हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? देखिए, हम जैसे एरे का कंसेप्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि पिछले हमने एवरेज निकाली थी, उससे पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट किया था। आज के टॉपिक में हम करेंगे लार्जेस्ट निकालेंगे एरे का, जो मैंने बताया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको प्रोग्राम को बनाते हैं। टू फाइंड द लार्जेस्ट फ्रॉम द एरे, ठीक है, अपनी वही फाइल को इंक्लूड करेंगे, stdio.h, कॉनियर डॉट टच को लगा दिया मैंने, वॉइड मेन। आप प्लीज मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स को फॉलो करें एरे के, आपकी काफी हेल्प रहेगी इसमें से। ये देखिए, एक एरे ले लिया फ्लोट का, जिसके अंदर हम वैल्यूज डलवाएंगे। 100 इनिशियलाइज करने के लिए कुछ भी डलवाएंगे, तो यूजर से हमें वैल्यू लेनी है। एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 to 100 मैंने स्पेशली लिख दिया है। ठीक है, स्कैनफ करवा के हमने यूजर से वैल्यू ले लिया कि भी कितने एलिमेंट्स आपको डलवाने हैं, कितने नंबर्स आपको डलवाने हैं। ठीक है, प्रिंट एफ, मैंने नेक्स्ट लाइन में आ गया हूँ। फॉर आई, एक मिनट मैं आपको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आई 0 से स्टार्ट किया और एन तक जाएगा, लेस देन एन तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने करवाया स्टोर्स द नंबर एंटर्ड बाय यूजर। ये कमेंट लिख लीजिए कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। याद रहता है कि ये चीज मैंने क्यों डलवाई। कई बार प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है तो याद नहीं रहता, आगे जाके लिंक लिस्ट पता नहीं, और कितने बड़े बड़े प्रोग्राम आएंगे वहां। मतलब एक हेल्प रहती है हमेशा कि ये चीजें क्या है। ठीक है, तो इसे कर लीजिए। और इसके अलावा एक मिनट रुक जाइए जरा, बस स्कैन ऑफ कर रहा हूँ, मैसेज बज रहा था फोन का। स्कैन ऑफ करा के मैंने फ्लोट देखे एम्परसेंट एफ लगाया और मैंने एरे के अंदर वैल्यू डलवानी शुरू कर दी है। ये सबस्क्रिप्ट होती है हमारी, जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसके अंदर आई लिखा, मतलब आई की वैल्यू क्या 0, तो 0 पोजीशन पे हम वैल्यू डलवा रहे हैं। फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई एरे की 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, ऐसे वो चलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एड्रेस में इंक्रीमेंट भी होता रहता है, क्योंकि एरे जब डिक्लेयर कर दिया था उसके एड्रेस मतलब अलॉट हो जाते हैं। आई इज इक्वल टू, फिर से मैंने एक लूप चला रहा हूँ, लूप टू स्टोर लार्जेस्ट नंबर टू एरे। देखिए, इसमें हम जो लार्जेस्ट नंबर होगा ना, जो वैल्यू डालेंगे उसको चेक करवा रहे पहले और फिर उसको स्टोर करवाएंगे। देखिए मैंने क्या किया, लूप चलाया मैंने 1 से लेके एन तक। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया कि आई पोजिशन, आई सबस्क्रिप्ट पे जो वैल्यू है एरे की, वो मैंने चेक करवाई ग्रेटर देन है क्या हमारे एरे 0 पोजिशन पे, मतलब 0 वाला लेस देन है हमारे फर्स्ट वाले पे। 0 पोजीशन में जो वैल्यू फर्स्ट वाले पे लेस देन है या नहीं है। अगर लेस देन है तो दोस्तों क्या करेगा हमारा, देखिए चेक, यहाँ पे मैं चेंज करवाया, तो हमारा यहाँ पे मैंने डलवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ पहले कि इफ यू वांट टू फाइंड स्मॉलेस्ट, अगर स्मॉलेस्ट भी निकालना तो हमें लेस देन की जगह हमें ग्रेटर देन कर देंगे। ठीक है, सिंपल चीज है। तो क्या करेगा हमारा जो लार्जेस्ट मतलब आई की जो पोजीशन पे जो वैल्यू है वो क्या कर देगा, 0 के इक्वल कर देगा। समझे दोस्तों, इसमें क्या हुआ, इसने चेक करा कि हमारी जो 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो लेस देन है हमारे जो एरे है हमारे फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, मतलब इसने चेक किया कि है, तो क्या करेगा, आई वाली पोजीशन की वैल्यू को 0 को इक्वल कर देगा। ठीक है, और फिर से लूप को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, इसका आप थ्योरेटिकल में जाके अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कैसे लूप हमारा एरे के अंदर काम करता है और चीजों को प्रिंट करता है। इसके अंदर क्या हुआ, बेसिकली सपोज कर लीजिए हमारे पास 0 पोजीशन पे 10 है और हमारी जो उसके बाद है 8। ठीक है, तो हमने कंपेयर किया 10 और 8 को, हमारा जो फर्स्ट जो ए आई पे जो है वैल्यू वो 8 है, वो हमारी क्या लेस देन है। ठीक है, हमारी कंडीशन क्या होगी दोस्तों, फॉल्स होगी। अगर इसको 10, इसको 8 और 10 कर लीजिए, अब हमारी कंडीशन क्या होगी दोस्तों, फर्स्ट वाली पोजीशन पे हमारी 10 है वो ग्रेटर है, तो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया हमारी फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है दोस्तों, ऐसे करता जाएगा करता जाएगा, उसको जब ग्रेटर मिल जाएगा आखिरी में जाके हर वैल्यू को चेक करेगा, वो आखिरी तक जो ग्रेटर आएगा उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हम पोजीशन नहीं निकाल रहे दोस्तों, याद रखिए हम यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। पोजीशन का कंसेप्ट अलग है इसके अंदर, ठीक है, पोजीशन नहीं है इसके अंदर, वो अलग से प्रोग्राम बनता है। तो लार्जेस्ट एलिमेंट हमने 0.25 मतलब 2 डेसिमल के बाद तक वैल्यू प्रिंट करा देगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेस एनी की टू एग्जिट कैट सी एच।
चलिए दोस्तों इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आइए मैंने चेक किया था एरर। एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने डाले 5, ठीक है। 5 डालने के बाद पहले एक का, मैंने दो का, दो में डाला 4, 3 में फिर मैंने लार्जेस्ट डाला 2। ये देखिए वैल्यू इसने क्या दिखाई कि आपका लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, 6, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे उसने वैल्यू दिखा दी 6 हमें, ठीक है। अगर मैं वैल्यू देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी जादू, बट इसके लिए हमने चेक नहीं करवाया यूजर से, ठीक है, तो डालना गलत रहेगा। तो ये प्रोग्राम था कि कैसे हम एरे के अंदर से लार्जेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे और अच्छा प्रोग्राम करेंगे एरे का, उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम मतलब पॉइंटर यूज करते हैं एरे के अंदर, एरे से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे, पॉइंटर्स कैसे करना है, उसके अलावा और भी चीजें करेंगे, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय, थैंक यू।